अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। लेकिन आज जो है वो बड़ा हमारे साथ कुछ प्रैंक हुआ, हमारे साथ क्या बल्कि जितनी भी टीम वर्ल्ड कप में है उन सबके साथ हो गया प्रैंक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और प्रैंक क्या हुआ है कि आप लोगों को पता होगा कि ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी 5 अक्टूबर को। जी हाँ, और 5 अक्टूबर को ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी वर्ल्ड कप की, लेकिन वो ओपनिंग सेरेमनी को कैंसिल कर दिया गया था किसी वजह से। कहा गया था कि यार हम जो है वो अभी हम कर नहीं सकते, हमारे कुछ सिक्योरिटी इशू है, कुछ लोगों के वीजाज जो है वो देर हो गए। अब सारी कहानी जो है वो बात समझ में आती है। अब आप सुनिएगा कि बात है क्या है असल में। बात असल में ये है कि कल होने जा रहा है वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी, जो कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है। और इत्तेफाक की बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में एक बड़े स्टेडियम में किया जा रहा है, जी हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर कैपेसिटी 1,32,000 लोगों की है। और इत्तेफाक की बात यह है कि वहां पर ओपनिंग सेरेमनी होगी, वहीं पर जो है वो सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट जिसमें अमिताभ बच्चन, अरिजीत सिंह जो परफॉर्म करेंगे, इसके अलावा जो है वो रजनीकांत आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो कि आप देखना चाहते हैं। खैर जी, आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये कितना इत्तेफाक है, चलो अच्छा हुआ ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, अब हो रही है पाकिस्तान इंडिया के मैच में हो रही है, तो चलो अच्छा है, दोनों टीमें जो है बड़ी तगड़ी हैं, मैच में लोग भी आते हैं देखने के लिए। तो ये आप गलत सोच रहे हैं मेरे भाई, ये चीज़ ऑलरेडी पहले से प्री प्लान था। और प्री प्लान ऐसा था क्योंकि यार जाहिर सी बात है, अगर आपने पैसे कमाने हैं तो पैसा आप एक ही शर्त में कमा सकते हैं, जब पाकिस्तान इंडिया का आपस में क्लैश हो। पाकिस्तान इंडिया के मैच में आपको पता है बड़े से बड़े स्पॉन्सर, बड़े से बड़े जो है वो सुपरस्टार और बड़े से लोग जो है वो इस मैच को देखना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं। स्टेडियम खचाखच भरा होगा, लोगों को टिकट जहां पर 5,000 की है वहां पर 10,000 रुपए की मिल रही होगी, यानी कि लोगों ने 50-50 1-1 लाख रुपए की टिकट भी खरीद के वहां पर मौजूद होंगे। पैसा ही पैसा होगा। तो जनाब ये हो गया एक प्री प्लान, जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे समझ में आ गई ये बात। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इस बात समझाई जाए। आप ये सोच रहे होंगे कि यार चलो अच्छा अच्छा पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, वहां पर हम ओपनिंग सेरेमनी में एंजॉय करेंगे। ये बेसिकली जो है वो टारगेट किया गया था ऑडियंस को, और ऑडियंस को टारगेट इस वजह से किया गया क्योंकि यार जाहिर सी बात है हर कोई यही चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में हर एक बंदा जो है वो ये मैच को देख भी रहा होता है, हर एक स्पॉन्सर चाहता है कि इसमें अपने पैसे लगाए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और ये पैसा जो है वो इंडिया जाहिर सी बात है कमाना चाहती है, और फिर बाद में ये भी कहता है कि यार हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो भाई फर्क पड़ता है, असल बात यह है कि आपको वाकई फर्क पड़ता है। अगर आप ये समझते हैं कि यार आपको पाकिस्तान अगर नहीं आता वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यार ये बात जो है वो एक तो साइडलाइन हो गई, जहां पर ये बात साफ समझ में आ रही है पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है, जहां पर लोग आते हैं, लोग देखना चाहते हैं, जो नहीं भी देखना चाहता पूरी दुनिया में हर एक बंदा जो है वो ये पाकिस्तान इंडिया के मैच देख रहा है, यानी कि इतना मैच पॉपुलर है कि एशेज सीरीज से भी ज्यादा जो है, एशेज के जो क्लैश होते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के, उससे ज्यादा खतरनाक ये मैच है, क्योंकि यार यहाँ पे लोग जो है वो ज्यादा देखना चाहते हैं। तो जब जहां ज्यादा पब्लिक होगी तो वहां ज्यादा पैसा आएगा, वो कहते हैं ना कि ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, तो बेसिकली बात यही है। अब फिर आप ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान अगर नहीं आता है एशिया कप में खेलने के लिए तो हमें भी फर्क नहीं पड़ता, इंडिया नहीं आता है तो हम तो नहीं कहते। भाई देखिए, हम जो है वो सही बात कहते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान में मैच खेलने आता हमें फर्क पड़ता, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर क्रिकेट प्रमोट होती है, लोग उसको देखने आते हैं, लोग विराट कोहली को देखने आते हैं स्टेडियम में कि यार विराट कोहली कैसा है, लोग रोहित शर्मा को देखते हैं, लोग डिफरेंट अपने प्लेयर्स को देखते हैं, और उन दोनों के आपस में मैचेस होते हैं तो लोग इंजॉय भी करते हैं। पाकिस्तान को फर्क पड़ता है, और इस लिहाज से भी नहीं, उस लिहाज से भी पड़ता है कि यार इकोनॉमिकल लिहाज से आप लोग चाहे कुछ भी कह लें, चाहे वो मैच कहीं पर भी हो, यूएई में हो, चाहे वो सऊदीया में करवा लें या चाहे अमेरिका में करवा लें, अगर ये मैच होगा तो इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये बात जब इंडिया से बोली जाए तो कह रहे हैं नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, तो सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखे। अब इस वीडियो के नीचे जो है वो कुछ लोग आएंगे और वो ये कहेंगे, मैंने मतलब और भी जगहों पे देखा है, वो कहते हैं जलवा है हमारा, जलवा जलवा नहीं है भाई, वो ये कलवा है आपका और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सीधी सी बात ये है और नो बकवास ये है कि भाई आपने एक प्री प्लान किया और वीजा जो डिले हुए हैं हमारे प्लेयर्स को, तो वो भी बेसिकली इस पूरे पार्ट का जो है वो एक हिस्सा रही होगी कि यार हम वीज़ा डिले करेंगे, ओपनिंग सेरेमनी इस वजह से नहीं करवाएंगे, हम एक जवाब पेश करेंगे कि यार वीज़ा डिले हो गया और ये वो फलाम, मतलब बहुत सारे जो है वो रीजंस इसके पीछे बनाए जा रहे थे, जोड़े जा रहे थे, ताकि इस सेरेमनी को आगे की तरफ पुश किया जाए, आगे मतलब
पाकिस्तान इंडिया के मैच के साथ जो है वो उसको जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब ये मैच होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इंडिया तरक्की करेगा मेरे भाई। तो यही है आज की वीडियो, आप लोगों को बात समझ आ गई तो आप लोगों को समझ आती है बात, और सही लगी बात तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बात समझ में नहीं आई है और जो इंडियन फैंस है आप लोगों को बात बुरी लगी है तो भी बता सकते हैं अच्छी लगी है और समझ आई है कि हाँ वाकई ऐसा है, और फर्क पड़ता है इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी कि इंडिया पाकिस्तान इंडिया जो है पाकिस्तान में मैचेस खेले या पाकिस्तान इंडिया जाके मैच खेले, दोनों देशों को फर्क तो पड़ता है। तो आप लोग भी इस बात को एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।